एंड आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 9 डिब्बे और स्केच। डिब्बे क्या होते हैं आपने देख रखा है ना, बहुत बहुत से डिब्बे होते हैं। स्केच मतलब आप कौन सी चीज़ बना सकते हो। डिब्बे का मतलब आपने मिठाई के डिब्बे देखे होंगे, बड़े बड़े कार्टून्स देखे होंगे जिसके अंदर हम क्या करते हैं सामान रखते हैं, उसको हम डिब्बा कहते हैं। जैसे मिठाई का डिब्बे के बारे में, रम्या मिठाई खरीदने गई, आप भी दुकानदार के पास मिठाई खरीदने जाते हो तो आपने देखा है कुछ मिठाईदार जो दुकानदार वाले हो, मिठाई की दुकान वाले, वो तो क्या करते हैं डिब्बा बना बना यूज़ करते हो। कुछ क्या करते हैं इस तरह से डिब्बे को बनाते, देखो ये कटिंग कर रखी, उस कटिंग को क्या करते हैं फोल्ड करके कुछ इस आकृति का डिब्बा बनाते हैं। तो आपको भी क्या करना है बेटा, पेपर लेना है, पेपर लेके ये जो कटिंग कर रखी है, जैसे ये है तो इसको आपको यूँ फोल्ड करना है, इसको यूँ, फिर इसका एक फोल्ड, इसका एक फोल्ड, तो आपका क्या बन जाएगा डिब्बा बन जाएगा। तो आपको भी घर पर क्या करना है इस तरीके से डिब्बा बनाना है। अब घन बनाना, अब घन कैसे बनाते हैं देखो। अब हम घन बनाए तो आपको क्या लग रहा है भाई ये घन है हमारा, अब ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप देखो इस आकृति से आप घन बना सकते हो, तो देखो ये जहाँ जहाँ फोल्ड है आप उसको फोल्ड कीजिए तो आपका घन बनेगा। तो आपको यहाँ पर और आकृतियाँ बनानी है जिससे आप क्या कर सकते हो इस तरह का एक घन बना सकते हो। बिना ढक्कन का डिब्बा, अब आपने देखा है बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है बिना ढक्कन के क्या होते हैं डिब्बे होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आकृति में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बिना ढक्कन का डिब्बा है, खुला है जिसके ऊपर ढक्कन ना हो। तो आप मुझे बताओ, लेकिन मैं इनसे खुले डिब्बे नहीं बना सकती, क्यों नहीं बना सकती। अगर मैं इसको यहाँ लाती हूँ ये वाला यहाँ आ जाता है, ये इसके ऊपर आ जाएगा बंद होगा, इससे मैं क्या कर सकती हूँ खुला बना सकती हूँ, इससे मैं नहीं बना सकती। तो इन सबको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन आकृतियों को जोड़ना पड़ेगा। ये आप क्या कर सकते हो घर पर कर सकते हो। डिब्बे और डिब्बे, सभी डिब्बे घन नहीं होते, क्या कुछ अलग तरह से डब्बे दिखाई देते हैं। नीचे दी गई आकृति में उस डब्बे से मिलाइए जो आकृति को मोड़कर बनाएगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि डिब्बे खाली क्या घन आकार के होते हैं, चौकोर ही होते हैं, नहीं। आप देखना डिब्बे अलग अलग आकार के भी होते हैं। अब जैसे मुझे बताओ ये वाला, अब ये त्रिभुज जैसा, अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो ये मेरे को किसके जैसा दिखाई देगा, इसके जैसा देगा या नहीं देगा, इसके जैसा दिखाई देगा। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँगी तो ये मेरे को किसके जैसे दिखाई देगा, इसके जैसा। अब ये शंकु है, गोल है, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूँ तो ये मेरे को किसके जैसे दिखाई देगा, इसके जैसा। और इसको यदि मैं मोड़ के बनाऊंगी तो ये मुझे इस तरह से दिखाई देंगे। तो सभी डिब्बों की आकृतियाँ क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, फर्श के नक्शे। आप देखते हो जब हम घर बनाते हैं तो वो नक्शे बनाते हैं तो कुछ इस तरह के से नक्शे बनाते, ये गहरा गहरा रंग दरवाजे को, ये सामने की दीवार, ये ऊपर की दीवार, तो ये मकान हमको कैसा दिख रहा है सामने से। यदि मैं ऊपर से देखूंगी तो खाली मुझे क्या दिखाई देगी, छत छत दिखाई देगी। यदि मैं सामने से देखूंगी तो मुझे खाली इतना भाग दिखाई देगा या देगा, है ना। तो आपके घर पे यदि कोई फर्श बनाना हो या घर बनाना हो तो कुछ इस तरह के से नक्शे बनाते या नहीं बनाते हैं। अब अभ्यास का प्रश्न, अब आपको क्या करना है खिड़कियां बतानी है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया यहाँ पर कोनों पे खिड़कियां होनी चाहिए, तो खिड़कियां कहाँ है, दरवाजे कहाँ है, वो आपको क्या करने है इसके अंदर बनाने हैं। घन का एक गहरा चित्र, अब देखो इस घन से हम क्या कर सकते हैं इस तरह का घन बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले क्या किया, ये तीन लिए तो तीन से घन नहीं बनेगा, इससे बनेगा नहीं, इससे बनेगा नहीं। हम किससे बना सकते हैं, इससे आसानी से बना सकते हैं, ये भी हमारे घन का चित्र है या नहीं। तो हम इन सारी चीज़ों से मिलाकर देखो, जैसे ये है ये घन है, अब ये एक घन, अब मैं दूसरा कैसे बनाऊँ, तो देखो इसको इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हो, इससे मिलाकर, इससे मिलाकर, इससे मिलाकर, इससे मिलाकर आपको क्या मिल जाएगी इस तरह की आकृति, मतलब ये और ऐसी आकृति आपको क्या मिल जाएगी, घन की आकृति मिल जाएगी। अब देखो पहेली है यहाँ पर, इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाओ। अब आप देखते हो ये किसका चित्र है, घन का, पासे का, आप सांप सीढ़ी खेलते हो उसका चित्र। तो आपने उसमें देखा ना, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 1 होता है। तो बने हुए घन में कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते, कौन सा ऐसा चित्र है जो तुमको क्या लगेगा ठीक लगेगा। तो भाई ये ग वाला चित्र हमको ठीक लग रहा है, ये वाला चित्र ठीक लग रहा है, ये वाला चित्र ठीक लग रहा है, तो इसमें से कौन से चित्र ठीक लग रहे हैं वो आपको क्या करने हैं देखने हैं।
अब एक घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका। अब आसान कैसा तरीका कि भाई अब हम घन तो कैसे बना सकते, देखो अब ये घन है, अगर मैं इसको ऐसे 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 और ऐसे बनाऊं तो ये बहुत वैसा तरीका हो जाएगा। तो घन बनाने का आसान तरीका क्या है, आप दो वर्ग बनाइए, वर्ग मतलब जिसकी आमने मतलब चारों भुजाएं क्या हो समान है, फिर आप क्या कीजिए दूसरा वर्ग पहले वाले वर्ग के अंदर आधा बनाइए, फिर उसकी हर एक कोनों को दूसरे कोने से मिला दीजिए, तो आपकी ये क्या हो जाएगा, इस तरह का घन आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसने भी ऐसा ही बनाया, फिर इसने क्या किया ये दो वर्ग बनाए, फिर इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक घन है ना। घन जिसकी क्या होती है चार, अंदर क्या होता है छः, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ किनारे होते, वो शीर्ष होते हैं, होते या नहीं होते। अभी हमने क्या किया, घन बनाना सीखा। अब हम देखते हैं माचिस के डिब्बियों का खेल। अब माचिस के डिब्बियों से आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हो, आप अपने घर पर भी बना सकते हो। अब इसने क्या बनाया, नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल के चित्र बनाए कि देखो भाई है ना, सामने से देखने पर ये पुल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि मैं साइड में से देखूं है ना पुल कितना ऊंचा है तो मुझे पता चलेगा। देखो यहाँ पर कितना, एक दो तीन, तीन माचिस के बराबर वो पुल ऊंचा है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक दो तीन, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, तीन माचिस के बॉक्स जितनी। अब उसकी लंबाई कितनी है, तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः माचिस का बॉक्स था, तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो उसकी लंबाई इतनी हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, पुल की चौड़ाई होगी। तो आप भी क्या कर सकते हो, अपने उसको घर पर माचिस की डिब्बियों से कुछ चित्र बना सकते हो। अब यहाँ पर है इस पुल के चित्र बनाकर देखिए। अब देखो यहाँ पर भी एक पुल बता रखा है, ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा, तो बेटा अब अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, खाली उसका ऊपर का भाग दिखाई देगा, माच जैसे ये पुल है ना, इसमें बताती हूँ, ये ना दिख के खाली आपको क्या दिखेगा, ऊपर का भाग दिखाई देगा। सामने से देखने पर, तो सामने से देखने पर आपको क्या दिखाई देगा, खाली ये माचिस की तिल्लियाँ दिखाई देगी सामने से, और यदि आप साइड से देखोगे तो साइड से खाली आपको इस तरह के बॉक्स दिखाई देंगे। तो आपको ये क्या करना है अभ्यास में कि कौन सी चीज़ें, देखो यहाँ पर जैसे मॉडल दे रखा है, तो वो मॉडल बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको देखना है, जैसे ऊपर से दिखाई देगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आप साइड से देखोगे तो कुछ इस तरह के से दिखाई देगा, अगर ऐसे साइड से देखोगे तो इस तरह से घन दिखाई देगा। तो ये सब आपको क्या करना है, अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर क्या करना है अभ्यास। अब आपको समझ में आया कि डिब्बे और स्केच क्या होते हैं, तो यहाँ पर खाली आपको किसके बारे में बताया है, घन के बारे में, कि हम घन को कैसे बनाएंगे। सारे डिब्बे एक ही आकार के नहीं होते, लेकिन इसके अंदर आपको घन का बताया था, मैंने घन का आपको बता दिया बनाने का आसान तरीका, आप उस तरह से घन बना सकते हो, और आपको बताना कि कौन सी चीज़ सामने से दिखने पर कैसी होती है। तो आपको ये पार्ट समझ में आया, आप इसको अपने नोटबुक में कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।